नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये दोनों वैल्यू वाले हैं, एक तरफ कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है। यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 माइनस 1/7 बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। चलो यहाँ देखते हैं, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 14, 7 माइनस 2, यहाँ एलसीएम लो 14 और यहाँ होगा 14 प्लस 1, ये कट जाएगा आपका, इक्वल टू में है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना घटेगा तो 5 हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/15 और इक्वल टू हो जाएगा, इसको कॉट इनवर्स एक्स को टेन में ही चेंज कर देते हैं तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ये कट जाएगा ना 1/3। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा दो, 1/3 इक्वल टू 1/x, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन